Hey there, welcome back to my channel Road to Library where we learn English for fun. For those who are new to the channel, please go and subscribe to it and press the bell icon so that you can get the notification whenever I come online. So in today's video, we are going to talk about some words which are often confusing, especially when you write them. ऐसे words जो कि हमें confusing लगते हैं बहुत ज़्यादा, हमें नहीं समझ में आता कि दो similar words में हमें कौन सा words कब और किस situation में use करना है, या हमें इस spelling में कौन सा letter use करना है. जैसे कि stationary, stationery, it's, it's, okay? So these are some examples of those confusing words. हमें इन्हें कहाँ, कब, कैसे और कौन सा letter कब आएगा और इनमें क्या क्या differences हैं वो हम लोग देखेंगे. So are you all ready for the take off? Fasten your seat belts and stick your eyes at the window. I mean at your phone screens. All right then, let's get going. So the first pair of words we have with us is there and there. This there means the place or a location. Okay, T-H-E-R-E, इस there का मतलब है किसी place पे, किसी location पे. For example, they all are standing there, वो सारे के सारे लोग वहां खड़े हुए हैं. So T-H-E-R-E denotes place, the location, they all are standing there, ठीक है. And this there belongs to the people, you can say that it belongs to people. For example, they have done their homework, उन लोगों ने अपना homework कर लिया. They have done their homework. T-H-E-I-R belongs to or denotes people and T-H-E-R-E denotes the location or the place. They have done their homework, T-H-E-I-R. And they all are standing there, T-H-E-R. Correct? So the next pair of words we have with us is look and see. लुक अप कब बोलते हो जब आप किसी को डिस्टेंस पे दिखाना चाहते हो कि देखो दूर देखो वहां पे जाके देखो कि क्या हो रहा है. ओके लुक उधर देखो जब हम किसी को दिखाना चाहते हैं कोई भी चीज जो डिस्टेंस पे हो रही है जो कहीं पे दूर हो रही है कि लुक देयर बहुत दूर कहीं पे हो रही है सामने कहीं हो रही है तो हम लोग बोल सकते हैं लुक देयर समथिंग इज हैपनिंग लुक देयर. और सी हम कब बोलते हैं जब हमारे पास कोई भी चीज पास में हो रही हो जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं उसके हाथ में फोन है आपके हाथ में फोन है तो आपने उसको बोला सी दिस See this. आपने अपने फोन में उसको दिखाया कि ये देखो मैंने क्या देखा तो आप क्या बोलोगे सी दिस क्योंकि आप लोग पास में बैठे हो तो सी हम कब यूज करेंगे जब हम लोग नियर बाय हैं और लुक हम कब यूज करेंगे जब कोई भी इंसान है कोई भी चीज जो आपको दिखानी है वो एक डिस्टेंस पे है. लुक देयर सी दिस सी दिस. मूविंग ऑन नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स वी हैव विद अस इज इट्स एंड इट्स. अब आप लोग बोलोगे इनमें तो कोई डिफरेंस नहीं है पर आपने देखा होगा कि इस इट्स में अपोस्ट्रोफे है और इस इट्स में अपोस्ट्रोफे नहीं है तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है. जो अपोस्ट्रोफे वाला इट्स है वो एक इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है या फिर इट हैज का कॉन्ट्रैक्शन है. हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना तो इट इज या इट हैज को हमने कर दिया इट्स आई टी अपोस्ट्रोफे एस. और इट्स जो है वो पजेशन को डिनोट करता है बिलोंगिंग को डिनोट करता है. ओके फॉर एग्जाम्पल दैट्स नॉट इट्स बॉक्स आई कैन सी इट्स आईज. That's not its box. वो उसका box नहीं है. I can see its eyes. मुझे उसकी eyes दिख रही है. So this is the example for its without apostrophe, जो हम possession और belonging को denote कर रहा है. और it with apostrophe, जो कि contraction है, it is और it has का, उसका example है it's okay. It is okay. It's okay. हम बोलते हैं normally it's okay, fine, it's okay. So उसको किसका contraction है? It is का. It is okay. It's okay. It is amazing. It's amazing. It is amazing. It's amazing. तो जहां पे हमें contraction use करना है वहां पे हम it apostrophe s लिखेंगे जो किसके contractions है it has और it is के. It's okay. It's amazing. So the next pair of words we have with us is breathe and breathe. अब आप लोग बोलोगे कि इनमें तो कोई difference नहीं है सिर्फ e लग रहा है end में तो इन दोनों में बहुत difference है. जो breathe e वाला है वो होता है verb और जो breathe without e है वो है नाउन. सो जो वर्ब वाला ब्रीद है जो ई वाला ब्रीद है एट द एंड उसको हम कब यूज करेंगे जब हम एक्चुअल में ब्रीदिंग का प्रोसेस बता रहे हैं. इनहेलिंग ऑफ और एक्सहेलिंग ऑफ एयर ये होता है ब्रीद का मतलब. तो जब हम इस एक्चुअल प्रोसेस को बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीद थ्रू योर नोज व्हेन यू हैव कोल्ड. आपको अपनी नोज से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जब हमें कोल्ड होता है या किसी को भी कोल्ड होता है तो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीद through your nose when you have cold. तो ये तो verb वाला breathe हो गया. इसमें हम action बता रहे हैं कि हमें breathing में problem होती है जब हमें cold होता है nose से breathe करने में हमें problem होती है.
नेक्स्ट है नाउन वाला ब्रीथ जिसमें हम ई नहीं यूज कर रहे हैं, उसके लिए उसका एग्जाम्पल है आई कैन होल्ड माई ब्रेथ फॉर 2 मिनट्स अंडर वॉटर, मैं 2 मिनट तक अपनी सांस पानी के अंदर जाके रोक सकता हूँ। आई कैन होल्ड माई ब्रेथ फॉर 2 मिनट्स अंडर वॉटर, तो ये कौन सा ब्रीथ हो गया, कौन सा ब्रेथ हो गया नाउन वाला, जिसमें हम एक्शन नहीं बता रहे, हम ब्रीदिंग को एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि मैं अपनी सांस रोक सकता हूँ पानी के अंदर जाके 2 मिनट तक। आई कैन होल्ड माई ब्रेथ फॉर 2 मिनट्स अंडर वॉटर। तो डिफरेंस समझ में आ गया हम नाउन को कैसे यूज कर रहे हैं और वर्ब के टाइम पे कैसे यूज कर रहे हैं सेम वर्ड्स को विदाउट ई एंड विद ई। गॉट इट? मूविंग ऑन, नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स वी हैव विद अस इज लूज एंड लूज। अब इन दोनों वर्ड्स को देख के आपको लग रहा होगा कि इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा मैं ये चीज बता दूं कि इसमें लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, ये वाले लूज की जगह ये वाले लूज लिख देते हैं या इस लूज की जगह इस लूज को लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है। एल डबल ओ एस सी का अलग मीनिंग है और एल ओ एस सी का अलग मीनिंग है, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं, आप इनको इंटरचेंज या सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जहां पे डबल ओ एस सी वाला लूज आएगा वहां पे वही लिखना चाहिए, या जहां पे सिंगल ओ एस सी वाला लूज आएगा वहां पे वही लिखना चाहिए। तो एल डबल ओ एस सी वाले लूज का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज जब हमें कोई ढीली हो जाती है, सपोज दिस ड्रेस डजंट फिट मी इट इज लूज, ये ड्रेस मुझे फिट नहीं आ रही ये लूज है, दिस ड्रेस डजंट फिट मी इट इज लूज, तब वहां पे आप कौन सा लूज लिखोगे, एल डबल ओ एस सी, इसका मतलब ये थोड़ी सी ढीली है मुझे फिट नहीं आ रही, दिस ड्रेस डजंट फिट मी इट इज लूज। एंड एल ओ एस ई का क्या मतलब होता है, एल ओ एस ई वाले लूज का मतलब होता है किसी चीज को खो देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपकी मदर कोई नया लंच बॉक्स देती है तो वो क्या बोलेगी, डोंट लूज दिस लंच बॉक्स, इस टिफिन को खोना मत, इस लंच बॉक्स को खोके मत आना, डोंट लूज दिस लंच बॉक्स, तब वहां आप कौन सा लूज लिखोगे, एल ओ एस ई, इसका मतलब होता है किसी चीज को खो देना या फिर खो किसी चीज का खो जाना। सो डोंट लूज दिस लंच बॉक्स, इस टिफिन को या इस लंच बॉक्स को खोना मत, डोंट लूज, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, एल ओ एस ई वाला लूज। Now the next and the last one we have with us is accept and accept. इन वर्ड्स का बहुत ज्यादा डिफरेंट मीनिंग है, बहुत ज्यादा अलग मीनिंग है इन दोनों वर्ड्स के। Accept का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना या स्वीकार कर लेना। Accept the fact that they have arrived. इस चीज को accept कर लो या इस चीज को स्वीकार कर लो that वो लोग आ चुके हैं। Accept the fact that they have arrived. और accept का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ के। Bring all the boxes except that box. सारे boxes लेके आओ उस box को छोड़ के। So bring all the boxes except that box. तो meaning समझ में आया, except को हम कहाँ use कर रहे हैं और accept को हम कहाँ use कर रहे हैं। Accept का मतलब होता है किसी भी चीज को accept करना, स्वीकार कर लेना, agree करना उस चीज से, मान लेना, ठीक है। तो और accept का मतलब क्या होता है, उस चीज को छोड़ के, उसके अलावा। Bring all the boxes except that box. Bring all the boxes, सारे boxes ले आओ, except that box, उस box को छोड़ के। और accept का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को स्वीकार कर लेना। Accept the fact that they have arrived. Accept the fact that they have arrived. So here we end up with today's video. I believe it was informative for you. You can tell me through comments if you have any confusion in any word. I'll cover that word in my next video, as there will be a part 2 of this video. So आपको किसी भी word में कोई भी confusion है, जो मैंने आज बताए हैं उन words में भी कोई confusion है तो आप मुझे comments के थ्रू बता सकते हो, और अगर इनके अलावा भी किसी word में आपको confusion है तो you can tell me through comment section. So here we end up with the video. We'll meet in the next video with some fun and refreshing topic. Till then, take care.